दोस्तों हर किसी के पास यार पैसा नहीं होता, हर किसी के पास यार बजट नहीं होता कि वो 40,000, 50,000 या फिर 60,000 रुपए का एक गेमिंग पीसी बिल्ड करें। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया 10,000 रुपए का, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का गेमिंग पीसी बिल्ड। और मैं इसे गेमिंग पीसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसके ऊपर एक्चुअली में काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। आप इसके ऊपर जो है 1080p 60fps की गेमिंग आप आराम से कर सकते हो। मैं 720p की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे फुल HD 1080p की बात कर रहा हूं। तो आप 1080p 60fps गेमिंग आराम से कर सकते हो इसके ऊपर। और भाई यहां पर कोई हवा में बातें नहीं होती है, आपको गेम्स खेलकर दिखाऊंगा, आपको बेंचमार्क्स दिखाऊंगा कि आपको जो कितने फ्रेम रेट गेम्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है भाई ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो यार क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नेम डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार पीसी बिल्ड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक अच्छा बजट है, आप एक 30,000 40,000 रुपए का पीसी अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई प्लीज यार उसको जाके बिल्ड करो, इसको बिल्ड करने की भाई कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जिनका बजट सिर्फ 10,000 11,000 12,000 रुपए के आसपास है। तो बस वही लोग जो है इस पीसी बिल्ड को करना, अगर आपका अच्छा बजट है तो भाई प्लीज इससे दूर रहना, एक अच्छा वाला बिल्ड आप कर लेना, ठीक है। तो पैसा खर्च करना और एक बढ़िया वाला बिल्ड करना, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए है। तो चलिए यार अब बात कर लेते हैं कि इस गेमिंग पीसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करें जो कि हम इतनी कमाल की गेमिंग करा रहे हैं, वो भी इतने सस्ते बजट के अंदर रहते हुए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई इसके अंदर यूज्ड कंपोनेंट्स को मैंने यूज करा है, ठीक है। अब इससे पहले कि तुम नीचे जाओ कमेंट करो कि भाई न्यू कंपोनेंट्स के साथ में करते, यार सबको थोड़ी यूज्ड कंपोनेंट्स की एक्सेस होती है, सबको थोड़ी यूज्ड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि आपको मिल गए। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अब ये सिमिलर पीसी विद न्यू कंपोनेंट्स भी बना सकते हो, तो आपका जो बजट बनेगा ना फिर पीसी का वो होगा सिर्फ 14,000 रुपए। अगर आप यूज्ड में बाय करोगे तो ये पीसी आप 10,000 रुपए से कम में बना लोगे, अगर आप न्यू कंपोनेंट्स के साथ में बनाओगे तो आपका 14,000 रुपए के आसपास में पीसी बिल्ड तैयार हो जाएगा। तो देख लेना, अगर यूज्ड मिल जाए तो भाई सस्ते में हो जाएगा, न्यू लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं इसके अंदर यूज करे गए प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसके अंदर यूज करा गया इंटेल की तरफ से कोर i3-3240 जो कि एक i3 की थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं टोटल 2 कोर और 4 थ्रेड। अब देखो ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर भले ही आपको 2 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको सुनने में बहुत हल्का लग रहा होगा प्रोसेसर, लेकिन जो आता है ना आपका कोर 2 क्वाड जो कि बहुत सारे लोग ऐसे बजट वाले पीसी बिल्ड के अंदर यूज करते हैं लाइक Q9400, वो 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है ना, ये उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। कभी बेंचमार्क्स देखना दोनों प्रोसेसर के, जो Q9400 तुम्हारा 4 कोर 4 थ्रेड के साथ में आता है, ये जो 2 कोर 4 थ्रेड का कोर i3-3240 है, ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ में ये जो तुम्हारा i3-3240 है ना, ये पावर भी कम कंज्यूम करता है, साथ ही में एक नए आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, मतलब उससे नए आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उससे अच्छे आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो ये काफी अच्छी डील है उसके सामने। तो Q9400 वगैरह से ये तो बहुत ही कचरा हो चुके हैं, अब इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना, कोई परफॉर्मेंस नहीं देते, एकदम बेकार चलते हैं ये। 3240 जो है ना, ये कोर आई थी 3240 बहुत कमाल देता है उसके सामने परफॉर्मेंस। सुनने में तुम्हें छोटा लग रहा होगा 2 कोर और 4 थ्रेड, बट मैंने इसके ऊपर बहुत सारे गेम्स चला के देखे, आराम से रन हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी, परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, प्राइस के बारे में आपको थोड़ी सी अभी आगे चल के बताऊंगा, तो बने रहना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इसके अंदर मैंने यूज करा है गीगाबाइट का H61 मदरबोर्ड जो कि इस प्रोसेसर के साथ में इजीली पेयर हो जाता है। अब देखो भाई ये जो मदरबोर्ड है एकदम बेसिक सा मदरबोर्ड है और इस प्रोसेसर के हिसाब से काफी एक अच्छी चॉइस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैम के बारे में। तो रैम इसके अंदर टोटल यूज करी गई है भाई 4GB की सिंगल स्टिक जो कि 1333 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। अब भाई सिंगल स्टिक मैंने इसलिए यूज करी है 4GB की क्योंकि जो हमारा मदरबोर्ड है ना उसके अंदर 2 ही स्लॉट मिलते हैं, ताकि मैं इन फ्यूचर जो एक और 4GB की स्टिक लगा के टोटल 8GB रैम कर सकूं। तो इसलिए हम जो 4GB की सिंगल स्टिक के साथ में जा रहे हैं जो कि 1333 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। तो अब मैं तुम्हें यार प्राइसेस भी बता देता हूं। तो ये जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है और जो रैम है, इन तीनों का यार मैंने कॉम्बो बाय करा है फॉर 3,900 रुपीज। तो 3,900 रुपए मैंने एक कॉम्बो बाय करा है फ्रॉम शिवा टावर कंप्यूटर मार्केट जो कि हमारे लोकल गाजियाबाद के अंदर ही है, तो यहीं पास में ही है, तो मैं यहीं से लेकर के आया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो भाई ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर मैंने यूज करा है GTX 960 जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से बाय करा था लास्ट ईयर
एंड लकीली अभी तक वो काफी बढ़िया चल रहा है, एकदम बेहतरीन चल रहा है। ये मैंने बाय करा था फॉर 5000 रुपीज, तो 5000 रुपए में मैंने ग्राफिक्स कार्ड बाय करा था। अब ये जो ग्राफिक्स कार्ड है, जरूरी नहीं है कि आपको 960 के साथ में ही जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाकर के सिर्फ 960 ही ढूंढो कहीं यूज्ड मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है। 960 के अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक आप 760 जा सकते हो, GTX 760 हो गया, ठीक है, 1050 हो गया, 1050 Ti हो गया, RX 560 हो गया, 570 हो गया। आप मुझे 5000 रुपये के आसपास में अगर ये ग्राफिक्स कार्ड मिल जाते हैं तो आप इनके साथ में जा सकते हो, या फिर ऐसा सिमिलर परफॉर्म करने वाला कोई और ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको यूज्ड कंडीशन में मिल रहा है तो आप जो उसके साथ में जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टोरेज के बारे में, तो इसके अंदर आपको यूज करनी है भाई Seagate या फिर WD की 500 GB की हार्ड ड्राइव। अब आपको जो है ये यूज्ड कंडीशन के अंदर लगभग 800 से लेके 1000 रुपए की मिल जाएगी, या फिर अगर आप इसको नया बाय करने जाते हो तो ये लगभग आपको 1400 से लेकर के 1500 रुपए की मिल जाएगी। तो आप जो इसके अंदर अपनी विंडोज को डाल सकते हो, अपने गेम्स को डाल सकते हो, तो ये सब जो है चीजें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। पावर सप्लाई के बारे में बात करूं तो आप जो इसके अंदर फ्रंटटेक की एक 800 वाट की पावर सप्लाई आती है जो कि अमेजोन के ऊपर मिलती है लगभग 1000 रुपए की, आप जो है उसका यूज कर सकते हो। कोई बहुत हाई एंड पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बजट इतना है नहीं, तो आप जो इसके पावर सप्लाई के साथ में जा सकते हो। साथ ही में गाइस आपको जो है कैबिनेट कोई भी बेसिक वाली यूज करनी है। अब जो मैं कैबिनेट यूज कर रहा हूं वो तो भाई ये वाली है क्योंकि मेरे पास जो है ये पहले से रखी हुई थी। आपको जो है इस कैबिनेट के साथ में नहीं जाना है। आपके घर में अगर कोई पुराना पीसी रखा है, डेफिनेटली आपके घर में जो है कोई पुराना पेंटियम वाला पीसी रखा होगा, उसकी कैबिनेट आपके पास होगी ऑलरेडी, तो आप जो है उसकी कैबिनेट को यूज के अंदर ले सकते हो, या फिर कोई भी सस्ती वाली कैबिनेट कहीं से, वो जो आती है ना 500-600 रुपए वाली कैबिनेट, आप जो है उनका यूज कर सकते हो। अब ये बात तो हुई भाई कि हमने क्या क्या कंपोनेंट्स इस पीसी के अंदर यूज करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार बेंचमार्क्स के बारे में, देख लेते हैं गेम्स को चला करके कि कितने फ्रेम रेट यार हमें गेम्स के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इससे पहले कि हम लोग बेंचमार्क्स की तरफ बढ़े, मैं आपको जो एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज्ड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करा है, तो आपके कुछ कंपोनेंट्स जो वो आपस में बॉटलनेक हो सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फाइन चीज है। अब मेरी यार इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगा करके सुनना इस चीज को। जब आप यूज्ड कंपोनेंट्स को बाय करने जाते हो तो आपके पास वैरायटी नहीं होती है कि मैं ये बाय करूं या फिर वो बाय करूं, ठीक है। तो जो आपको उस टाइम यूज्ड मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, जो चीज आपको उस टाइम यूज्ड मार्केट के अंदर मिल रही होगी, आप वही तो बाय करोगे। जो आपको मिल ही नहीं रहा है आप उसको बाय कैसे कर सकते हो यूज्ड मार्केट के अंदर। तो इस केस के अंदर अगर आपके कंपोनेंट्स आपस में थोड़ा बहुत बॉटलनेक का इश्यूज क्रिएट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसके अंदर परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यूज्ड कंपोनेंट्स को बाय कर रहे हो तो आपके पास वैरायटी नहीं थी कि मैं ये बाय करूंगा या फिर वो बाय करूंगा। अब मेरे केस के अंदर जो है मेरा प्रोसेसर थोड़ा सा बॉटलनेक करता है मेरे ग्राफिक्स कार्ड को, जो कि कंप्लीटली फाइन चीज है। मैं चाहता तो बेंचमार्क्स के अंदर सीपीयू यूसेज को जो हाइड कर देता, लेकिन मैंने करा नहीं है क्योंकि भाई हम ट्रांसपेरेंट आदमी, हमारे चैनल के ऊपर कुछ भी झोलबाजी वाला काम नहीं होता है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसा होगा आपके साथ भी अगर आप भी यूज्ड कंडीशन के अंदर इन सब चीजों को बाय करोगे। तो सबसे पहला गेम जो मैंने इसके ऊपर चलाया वो चलाया राइज ऑफ द टॉम रेडर, और इसको मैंने चलाया 1080p लो सेटिंग्स के ऊपर। अब ये जो गेम है इसके अंदर हमारे 60 FPS, तो छोड़ो भाई इसके अंदर हमारे 60 के ऊपर जा रहे थे कभी कभी तो फ्रेम रेट, तो 60 FPS का जो मार्क है ना वो यहाँ पर बहुत ही ईजिली हमारा मेंटेन हो रहा था, और थ्रू आउट इस गेम के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। सच में भाई इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था। ओवरऑल जो भाई गेम का एक्सपीरियंस था वो उसमें मजा ही आ गया सच में। अगला जो गेम मैंने चलाया वो चला है बैटलफील्ड 1। अब इस गेम को मैंने चलाया 1080p अगेन लो सेटिंग्स के ऊपर। अब यहां पर भी जो हमारे फ्रेम रेट मेंटेन हो रहे थे वो 60 वाला जो मार्क है ना वो इजीली हमारा यहां पर मेंटेन हो रहा था। 60 FPS हमको जो इजीली इस गेम के अंदर देखने के लिए मिल रहे थे। थ्रू आउट द गेम मेरा एक्सपीरियंस यार काफी ज्यादा स्मूथ था, बस खाली कहीं कहीं कभी कभी हल्का सा एकदम फ्रेम ड्रॉप मेरे को देखने के लिए मिला, जो कि कंप्लीटली फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो थ्रू आउट मेरा गेम का एक्सपीरियंस था वो काफी बढ़िया था। अगला गेम मैंने इसके ऊपर चलाया भाई GTA 5, क्योंकि भाई GTA 5 यार सभी को खेलना होता है पीसी बिल्ड करने के बाद। तो GTA 5 को मैंने चलाया 1080p हाई और नॉर्मल सेटिंग्स के बीच में। तो यहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थ्रू आउट द गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। जो हमारे FPS थे वो 50-60 के बीच में हमारे इजीली मेंटेन हो रहे थे। अब देखो भाई मैंने हाई सेटिंग्स का भी थोड़ा बहुत इसके अंदर मिक्सचर रखा है, अगर आप इसको सारे कोई नॉर्मल सेटिंग्स पे कर दोगे ना
तो आपका जो 60 FPS भी इजीली इसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। और जो गेम के अंदर आपका एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, आपको गेम के अंदर जो कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले हैं। तो भाई GTA 5 आप इसके ऊपर बहुत ही आराम से खेल सकते हो। अब अगला गेम जो मैंने इसके ऊपर चलाया वो चला है Watch Dogs 2, जो कि एक अगेन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है एंड काफ़ी सारे लोग जो है पसंद करते हैं इस गेम को खेलना। इस गेम को मैंने चलाया 1080p लो सेटिंग्स के ऊपर एंड जो एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यार स्मूथ था। जो हमारे फ्रेम रेट थे वो 50-60 के बीच में इजीली मेंटेन हो रहे थे, बस खाली कभी कभी ओकेजनली मेरे को स्टटरिंग देखने के लिए मिलती थी, हल्का सा कभी कभी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाता था, जो कि कंप्लीटली फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो थ्रू आउट गेम का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ज़्यादा यार स्मूथ था। अगला गेम मैंने इसके ऊपर टेस्ट करा Assassin's Creed Origins, इस गेम को मैंने चलाया 1080p लो सेटिंग्स के ऊपर। और भाई ये जो गेम है ये आपको मैं बता देता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग गेम है, इसको चलाने के लिए अच्छे खासे हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भाई ये पीसी जो इतनी अच्छी फ्रेम रेट जो है हमें इस गेम के अंदर भी मेंटेन करके दे देगा। यहाँ पर जो मेरा फ्रेम रेट मेंटेन हो रहा था वो 40-50 के बीच में हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा खासा साथ निभा दिया इस पीसी ने इस गेम के ऊपर। मैंने इतना एक्सपेक्ट सच में नहीं करा था, अगर 40-50 FPS इस गेम के अंदर मेंटेन हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अगला गेम मैंने इसके ऊपर चलाया है PUBG PC Lite, और इस गेम को मैंने चलाया है भाई 1080p मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, और जो यहाँ पर मेरा फ्रेम रेट मेंटेन हो रहा था वो आराम से भाई 150 FPS के आसपास में मेंटेन हो रहा था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप हाई सेटिंग्स के ऊपर चलाना चाहते हो तो आप तब भी इस गेम को ईजिली खेल सकते हो, एंड जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस गेम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। अगला गेम मैंने इसके ऊपर चला है वैलोरेंट, जो कि आजकल एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है एंड बहुत सारे लोग जो इसको खेलना पसंद करते हैं। इस गेम को मैंने चला है 1080p लो सेटिंग्स के ऊपर, एंड यहाँ पर जो मेरा फ्रेम रेट मेंटेन हो रहा था वो 70-80 के आसपास में मेंटेन हो रहा था, एंड इवन जो हमारा 90 तक भी फ्रेम रेट जा रहा था, जो कि सच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर रहा था इस गेम के अंदर। एंड जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना इस गेम के अंदर वो बहुत ज़्यादा कमाल का रहने वाला है, एंड वैलोरेंट जो आप इस पीसी के ऊपर बहुत आराम से खेल सकते हो। तो आई होप बेंचमार्क्स देख के यार आपको समझ में आ गया होगा कि यार सिर्फ 10,000 रुपए के बजट के हिसाब से ये पीसी आपको कितनी तगड़ी गेमिंग यार करवा देता है। मतलब पैसे तो भाई कुछ भी नहीं जा रहे हैं और गेमिंग उस हिसाब से जो हमें काफी तगड़ी करवा देता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक नहीं कराए तो, और भी ऐसी कमाल की वीडियोस यार आती रहेंगी, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में भाई घंटे को भी जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।